हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो कुछ दिन पहले मैं महाबलेश्वर गया, तो वहाँ से मैं ढेर सारे ताज़े ताज़े स्ट्रॉबेरीज लेके आ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक की रेसिपी बनाई जाए। अब आप में से कुछ लोग स्ट्रॉबेरी लवर होंगे तो कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ये एक बार बनाओगे ना स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, तो आप ज़रूर से इसके फ़ैन बन जाओगे। तो मैं हूँ आप सबका दोस्त, अभी लेके आ गया हूँ सबके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाने की रेसिपी। तो शुरू करें, चलिए फिर। तो स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 से 7 ताज़े ताज़े लाल लाल स्ट्रॉबेरीज ले लेंगे। फिर इनके ऊपर जो ये हरे पत्ते होते हैं ना, इसको हम निकाल लेंगे और निकाल के इस तरह से हम मोटा मोटा कट कर लेंगे या फिर 2 से 4 पीसेज में कट कर लेंगे। और हम पहले स्ट्रॉबेरी क्रश बना लेते हैं। तो उसके लिए एक मिक्सी का हम जार ले लेंगे और इस मिक्सी के जार में हम सारे स्ट्रॉबेरीज डाल देंगे जो हमने कट करके ले लिए। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी ले लेंगे या फिर आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना ले लीजिए। तो चलिए अब हम फटाफट से स्ट्रॉबेरी का क्रश बना लेते हैं। तो लीजिए, हमने स्ट्रॉबेरीज को पीस के अच्छे से स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार कर लिया है बना के। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें 2 स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के डाल देंगे। आप चाहे तो बाहर 10-10 रुपए वाले स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिलते हैं ना, वो भी 2 डाल सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ना मिले तो आप वनीला आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम डालने से क्या है, मिल्कशेक काफ़ी स्मूथ और काफ़ी थिक बनेगा। फिर हम इसमें ठंडा ठंडा दूध डाल देंगे। तो चलिए अब इनको भी हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमने स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पीस लिया, अच्छे से तैयार कर लिया। अब इसे हम ठंडा ठंडा सर्व कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक कितनी आसानी से बनके तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह से बनाइए, एंजॉय कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। अरे रुकिए रुकिए, जा कर रहे हो यार, नया है वो चैनल पे, 1 सब्सक्राइब तो बनता है ना। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।